أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Well, this is me, Sir Babar. और आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. लेकिन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी हाइड्रोलिक लिफ्ट. लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप लोग वर्ड पर गौर करें, और जब वर्ड पर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह जो उसके अंदर जो उसकी डेफिनेशन है, उसका मफहूम है, आसानी से समझ में आ जाएगा. तो वर्ड है हाइड्रोलिक लिफ्ट. तो हाइड्रोलिक का जो वर्ड है वो हाइड्रो से निकला है, जिसका मतलब है वाटर, लिक्विड और फ्लूइड. अब हाइड्रोलिक लिफ्ट और लिफ्ट का मतलब होता है कुछ चीज ऊपर उठाना. इसका मतलब है अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर उठाएंगे हाइड्रो के जरिए, या तो वो लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा या कोई हमारे पास कोई भी गैस हो सकती है हमारी, ठीक है, फ्लूइड में सब आ गए. तो ये क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है ये यू शक्ल की एक ट्यूब होती है, उस पर मुश्तमिल होती है. और इसके दो एरिया है, जब यू शेप की ट्यूब होगी तो दो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेंगे, एक स्मॉल वन बनेगा, एक लार्ज बनेगा. स्मॉल वन पर एक स्मॉल पिस्टन होगा, पिस्टन क्या होता है जिसे प्रेशर लगाया जाएगा, और लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया में एक लार्ज पिस्टन होता है. अब वो क्या करेगा, क्योंकि यू शेप ट्यूब है वो फ्लूइड से भरी हुई है, अब पिस्टन मूव करेगा तो वहां पर लार्ज पिस्टन है तो वो ऊपर की जाने उठेगा, उससे एक प्लेट फिक्स होगी, सही है. तो इसका मतलब है यहां से प्रेशर लगाएंगे और लार्ज पिस्टन से बेसिकली ये प्रेशर हमें यानी कि ट्रांसमिट होकर वो जो भी बॉडी रखी होगी उसको उठाएगा, सही है. तो दिस इज वेरी सिंपल. तो इसको हम डायग्राम से दिखा सकते हैं, डायग्राम दिखाइए. देखिए यू शेप ट्यूब है और प्रेशर यहां लगाया गया, ये कोई भी फ्लूइड हो सकता है, इसने इस पिस्टन को उठाया और ये कोई भी बॉडी होगी ऊपर जाके उठ जाएगी, सही है. सो दिस इज और वो लार्ज पिस्टन में जो बेसिकली दाखिल हो रहा है, तो कितनी फोर्स यहाँ लग रही है और कितनी यहाँ हो रही है. तो अगर हमें ये मालूम हो जाए कि बेसिकली यहाँ की जो फोर्स है वो हम लगा रहे हैं, वो इतने न्यूटन है, फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन है, और उसका एरिया में मालूम हो, A1 और A2 में मालूम हो, तो हमें मालूम हो सकता है कि यहाँ कितनी फोर्स लग रही है. तो वी कैन इजली फाइंड द फाइनल फोर्स ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट विद दिस फार्मूला. अब फार्मूला मालूम हो सकते हैं, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हमने क्या कर लिया, उसको F1 A1 कर लिया. क्यों कर लिया, क्योंकि दो प्रोसेस रह रहे हैं, एक घेरा और एक घेरा, दोनों तरफ प्रेशर लग रहा है. तो हमने बोला ये F1 A1 और ये F2 A2, हमें दोनों बराबर दोनों को यहाँ ले लिया, सही है. उसके बाद यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, इसको पहले लिख लिया, इसको उधर लिख लिया. उसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट में फाइनल फोर्स मालूम करनी है और हमें दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया और इनिशियल फोर्स बताओ, तो वी कैन कैलकुलेट दिस फोर्स बाय दिस फार्मूला. ओके, जज़ाकअल्लाह.